यदा यदा यानी जब जब, यदा यदा यानी जब जब, ये आप कहिएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आपके कहने से नहीं बढ़ेंगे। और किसी का टांग खींचने से और किसी को उल्टा फुल्टा बोलने से हम इस्कॉन में नहीं जाते, अपने यहाँ जन्माष्टमी करते हैं ना, अपना मंदिर पे आप लोग आना है वहाँ। भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा यानी जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्मी लोग जब पूरे बढ़ जाते हैं तो उसका नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे, इस धरातल पे अवतार लेते हैं। तो ये कृष्ण के भक्त अवतार के रूप में आगे बढ़ेंगे इस समाज को? देखिए, ये आप कहिएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आपके कहने से नहीं बढ़ेगा। आदमी जहाँ बढ़ना होगा वहाँ खुद ब खुद आदमी बढ़ता है, किसी के कहने से और किसी का टांग खींचने से और किसी को उल्टा फुल्टा बोलने से आदमी का जो आगे बढ़ता है उसको कोई गतिविधि जो होता है उसका रोक नहीं सकता है। तो इसलिए जो लोग भी अपने भावना जिस तरीके का लोग बनाते हैं उसी तरीके का विचार भी और चाल चलन भी उसी तरीके से हो जा, दिमाग से ही लोग चलता है तो दिमाग से आगे आदमी इधर उधर हो जाता है तो वो आसुरी शक्तियाँ में सम्मिलित हो जाता है, तो आसुरी शक्ति में जो सम्मिलित हो जाता है तो फिर उसका विकास नहीं हो सकता है। तो उन आसुरी शक्ति वाले जो जितने दिमाग के जितने जो भाजपा में जो भरे हुए हैं पॉलिटिशियन लोग, उन लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि आपस में इंसानियत का और जिस तरीके से वो लोग द्वेष जो फैलाने का काम कर रहे हैं समाज में, उसको हम तो ये कहेंगे, प्रार्थना करेंगे उन लोग के लिए भी हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि जितने भाजपाइया हैं जिस तरीके से रिमोट उड़ाते हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे। बांके बिहारी मंदिर के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे काफी यहाँ के बारे में? बांके बिहारी शिव मंदिर में बहुत बड़ा खासियत है, चमत्कार भी यहाँ होता है, यहाँ दो दो को एसी हम लगाए हैं, लेकिन जब पुजारी बाबा को खोलते हैं सुबह सुबह तब पसीना से पूरा लथपथ रहते हैं बाबा। यहाँ का महत्व है बांके बिहारी शिव मंदिर में, सभी दर्शक देख रहे होंगे चैनल के माध्यम से, सबको हम बोलेंगे कि यहाँ बांके बिहारी शिव मंदिर में आइए और दर्शन कीजिए। क्या हम इस्कॉन में नहीं जाते, अपने यहाँ जन्माष्टमी करते हैं ना, अपना मंदिर पे आप लोग आना है वहाँ। भारत के नाम को लेकर एक विवाद है, जिस तरीके से मोदी सरकार इंडिया का नाम बदलकर भारत करने जा रही है, क्या लगता है इंडिया लाइन से डर गई है क्या बीजेपी मोदी सरकार? अब एक ही को सवाल बार बार करते हैं, तो डर चुकी है पूरे तरीके से, तभी इस तरीके का हड़बंडा कर रही है। चलिए भारत नाम लोग बोलने की भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं क्योंकि भारत है, मतलब वो लोग रखेंगे तभी भारत का नाम भारत रहेगा, पहले से भारत का नाम है भारत, भारत का नाम तो पहले ही से है, इंडिया भी नाम है और भारत भी है, सब लोग कहते हैं सनातन धर्म पे जिस तरह चर्चा हो रही लगता है कि उसमें जायज है क्या? सनातन धर्म पे जिस तरह से लोग बोल रहे हैं उसका लीन है, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म कितने की तरह की बातें? देखिए, धर्म केवल एक ही होना चाहिए, इंसान धर्म, इंसानियत होना चाहिए। सारे धर्म का आदर कीजिए, सत्कार कीजिए सारे धर्म का, जो भी धर्म है यहाँ जो मानव लोग बनाए हैं, भगवान तो बनाए नहीं है, लेकिन सारे धर्म का सम्मान करना चाहिए सारे लोगों को। और हम तो कहेंगे कि इंसानियत बहुत बड़ा धर्म है।